नमस्ते दोस्तों, मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पनीर चिल्ली। तो आइए बनाते हैं पनीर चिल्ली। तो देखते हैं हम पनीर चिल्ली कैसे बनाते हैं। तो इधर हमने कॉर्नफ्लोर आरा रोट मिक्स करके रखे हैं। तो इसको हम ऊपर से थोड़ा डाल देते हैं। इसको धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे, नहीं तो पनीर टूटता है। तो देखिए, हम इसमें मैदा भी डाल सकते हो, फिलहाल हम मैदा नहीं डाले हैं। तो देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा हम मसाला छिड़केंगे। लाल मिर्च पाउडर हुआ और नमक हुआ अपना, थोड़ा सा लास्ट में कलर डालेंगे हम, फूड कलर। आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो मत डालो, लेकिन फूड कलर डालने से थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, तो बच्चे अच्छे से देख के खाते हैं। तो ऐसे व्हाइट व्हाइट दिखेगा तो बच्चे को पसंद नहीं आता, रेड रेड दिखेगा तो बच्चे अच्छे से खाते हैं। देखिए, हम इसको धीरे धीरे हाथों से मिक्स करेंगे। तो बहुत सावधानी के साथ हमें इसको मिलाना है, नहीं तो ये टूटता है। देखिए, हम एक पलटा ले लिए हैं जिससे हम चावल निकालते हैं, तो उसको हम ले लिया। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे धीरे धीरे करके। वो कॉर्नफ्लोर और ये आरारोट दोनों चिपकता है एक साथ, इसलिए हमें धीरे धीरे इसको मैरिनेट करना है। तो देखिए, हम इसको छोड़ दिए थोड़ा देर के लिए, क्योंकि इसमें पानी छूटता है नमक डालने से। तो जब पानी निकल जाएगा इसमें, धीरे धीरे मैग्नेट वो हो जाएगा। तो एक दो बार पलटी करना है, फिर इसमें हम कलर डालेंगे। तो देखिए, फूड कलर ये हमारा है, तो इसको हम धीरे धीरे फूड कलर डालेंगे, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, तो तभी मिक्स होगा, नहीं तो ये ड्राई रहेगा तो नहीं मिक्स होगा इसमें। तो देखिए, हम थोड़ा सा पानी डाल दिए इसमें, तो पानी डाल दिए थोड़ा, हमारा ये बैटर गीला हो गया। तो बैटर गीला हो गया, अब हम इसे 5 मिनट छोड़ेंगे। देखिए, इतना अच्छे से हो गया हमारा मैग्नेट। पूरा अच्छे से नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको एक एक करके अच्छे से हमें हाथों से मिलाना है, नहीं तो ये पनीर टूट जाएगा, इसलिए हमें सावधानी से इसे हमें मिक्स करना है। तो देखिए, हमारा पनीर रेडी हो गया। चलते कढ़ाई की तरफ। तो देखिए, इसमें हम पूड़ी तले थे पहले, तो इसी तेल में हम फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास एक कढ़ाई हमेशा पड़ा रहता है, उसमें तेल रहता है, अपना जो तलना है तलते हैं। तो देखिए, अच्छे से हमारा कलर आ रहा है इसमें पनीर में, धीरे धीरे करके। अगर आपको एकदम क्रंची चाहिए तो पहले हाई फ्लेम पे करिए, फिर इसको स्लो करके धीरे धीरे पकाइए। इसको जल्दबाजी नहीं करिए, नहीं तो पनीर हमारा टूट जाएगा। और जब बन जाता है, इतना टेस्टी लगता है दोस्तों खाने में, बहुत बच्चों को मनपसंद है ये। देखिए, कितना अच्छा कलर दिख रहा है। हमारे घर में तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और आप लोग को कैसे क्या खाते हैं तो बताइए कमेंट करके। तो देखिए, उतना अच्छे से हमारे घर में पनीर नहीं खाएंगे, लेकिन ये पनीर चिल्ली बहुत खाते हैं बच्चे हमारे। तो आप लोग देखिए और देख देख के अच्छे से बनाइए कैसे बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। टाइम भी नहीं लगता है इसको फ्राई होने में, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो देखिए, हमारा ये रेडी हो गया है। चलते हम अपना कढ़ाई की तरफ। तो देखिए, हम लोहे का कढ़ाई लिए हैं, हल्की कढ़ाई, हमारा पतला है तो जल्दी गर्म होना चाहिए, तो इसलिए हम कढ़ाई लोहे के लिए हैं। तो इसमें हम तेल डाल दिए, इसमें लहसुन अदरक अपना दरदरा कूट लिए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। तो देखिए, हमारा ये हो गया है रेडी। तो हम हरा वाला प्याज जो होता है, उसका हम व्हाइट पार्ट ले लिया, थोड़ा सा डाल दिया इसमें काट के। तो देखिए, ये भी हमारा भून रहा है। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके जो शिमला मिर्च है वो हम थोड़ा रोस्ट करेंगे, मतलब थोड़ा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना हमें, थोड़ा क्रंची रहना चाहिए। तो देखिए, हमारा इसलिए हम लोहे कढ़ाई लिए हैं, ताकि उसमें अच्छे से हमारा तेज आँच रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। और अपना मोटा कढ़ाई लेंगे तो धीरे धीरे वो पानी छोड़ता है, इसलिए हमें पतला कढ़ाई लेना है, ताकि अच्छे से ये क्रंची हो जाए। ये हम व्हाइट वाला विनेगर ले लिए और सोया सॉस ले लिए हैं, देखिए हमारा। और ये ग्रीन चिल्ली सॉस है, टमाटर सॉस है, तो हम सब एक साथ मिक्स करके डालेंगे। ये रेड चिल्ली सॉस है, तो एक कटोरी में हम पहले से निकाल लिए हैं, तो इसमें सोया सॉस खाली डालेंगे, ब्लैक वाला। तो देखिए, हम पहले इसको डाल के धीरे धीरे इसको चलाएंगे, हम अच्छे से कलर आएगा इसे हम। तो धीरे धीरे करके इसमें जितना हम लगेगा उतना डालेंगे।
देखिए हम सारे सोया सॉस मिक्स करके रखे थे कटोरी में, तो वो हम डाल दिए हैं। तो देखिए हमारा ये कलर धीरे धीरे आ रहा है अच्छे से, इसको अच्छे से कलर आ जाएगा, तेल छोड़ देगा ताकि शिमला मिर्च जो है दब जाए, वो उसका कलर चेंज हो जाए शिमला मिर्च का। तो हम देखिए धीरे धीरे इसको चला रहे हैं। तो देखिए हम इसमें अब विनेगर डाल रहे हैं व्हाइट वाला। तो देखिए इसको हम इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो डाल रहे हैं, आपको लगता है तो डाल सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा डालते तो स्वाद उसका बढ़ता है। तो देखिए मन चाहे डाल सकते हो, नहीं तो मत डालो, लेकिन हम थोड़ा डालते हैं अजीनोमोटो। तो हल्का सा नमक डाल दिए इसमें। फिर देखिए हमारे पास रेड वाला शिमला मिर्च नहीं मिला था, तो हम टमाटर का बीज निकाल के उसको काट के हमने डाला, टमाटर एक, तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। ज़्यादा इसे हमें पकाना नहीं है, तो हम कॉर्नफ्लोर ले लिए, हमें ग्रेवी चाहिए तो कॉर्नफ्लोर ले लिए, हमें 2 चम्मच बड़ा वाले से ले लिए हमें। इसमें पानी डाल दिया, अच्छे से बैटर बना लिए इसे हम। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं रह जाए। देखिए अच्छे से घोल तैयार हो गया हमारा। तो हम चलते हैं, इसको धीरे धीरे करके हम उसमें मिक्स करेंगे। देखिए धीरे धीरे इसको हम चलाना है, रुकना नहीं है, नहीं तो ये गुठलियाँ पड़ जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे इसे हम चला रहे हैं। तो देखिए अच्छे से इसको हमें चलाना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि नहीं तो ये गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इसे पका के हमें ऐसे ही छोड़ना नहीं है। देखिए इतना अच्छे से कलर आ रहा है, तो हम पनीर पूरे डाल देते हैं इसमें। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से, स्लो आंच नहीं करना, इसे तेज पे करना है हमें, नहीं तो ये पूरा पसीज जाएगा, मतलब पानी छोड़ देगा। तो देखिए कितना अच्छे से कलर आ गया हमारा, ये कितना सुंदर दिख रहा है ये। तो हम चलते हैं, अभी से हम सर्व करेंगे। तो एक हम प्लेट ले लेंगे, हमारा ये अच्छे से पक गया है। अब इसे लोहे कढ़ाई में बनाए तो इसे हमें जल्दी से निकालना, नहीं तो काला पड़ जाता है। तो देखिए एक प्लेट में हम सर्व, तो देखिए हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं, कितना अच्छे से दिख रहा है, कलर भी अच्छे से आया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इसका, बच्चे हमारे बहुत पसंद करते हैं। आपको अगर आलू वाला चाहिए तो आलू का भी बना सकते हो, सेम ऐसे ही बनाना है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।